Welcome to Concept Clarity. The topic for today is nitric acid laboratory preparation or the lab preparation. This is a for sure question asked in your class 10th ICSE board exam. So watch this video till the end to know how nitric acid is prepared in lab. And after this, an important announcement that if you want the full channel access, that is Tempest, Merchant of Venice, History, Civics and Bio, then go and join the channel membership at ₹119 per month. For the few or more details or to get the channel membership link, kindly go and see the description box of this video. Don't forget to follow us on Facebook and Instagram for daily updates. So let's start. देखिए, हमसे कहा गया है कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड करनी है. ये जो आपको फिगर दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, दिस इज द मोस्ट कॉमन फिगर, आपकी हर जगह बुक्स वाला में रहता है. ओके, अब हमें बेसिकली करना क्या होता है. देखिए, ये आपका फ्लास्क का ये स्टैंड है. उसके बाद आपको सिंपल दिख रहा है कि आपको यहाँ पे फ्लास्क में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज वेल एज साथ ही साथ आपको पोटेशियम नाइट्रेट या फिर आप सोडियम नाइट्रेट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आप कौन सा लेना चाहते हैं रिएक्टेंट. इसको हम लोग डालते हैं फ्लास्क में और हीट प्रोवाइड करते हैं. हीट प्रोवाइड होने के साथ क्या होता है, हीट का जो ना टेम्परेचर रहता है इट्स अबाउट 180 to 200 डिग्री सेल्सियस. तो क्या होता है, जब ये हीट रिएक्ट होता है हीट की वजह से इन द ग्लास रिटॉर्ट, तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इज एन नॉन वोलेटाइल एसिड. तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से जो नाइट्रिक एसिड बनता है, नाइट्रिक एसिड इट पासेस थ्रू द ट्यूब एंड मूव्स डाउन. ओके, तो जब ये मूव डाउन होता है इट इज वेरी हॉट. ओके, बीइंग वेरी हॉट हम ऊपर वाटर से विद द हेल्प ऑफ अ टैब वाटर रिलीज करते हैं सो दैट कि नाइट्रिक एसिड कूल्स डाउन, कंडेंसेस टू फॉर्म द एसिड इन द लिक्विड फॉर्म. और हम लोग यहाँ पे इसे एक बकेट या बॉक्स में या वास्क में कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो आपको कंडेंस्ड आपका ये जो है आप नीचे से यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं. दैट्स इट, सिंपल था. तो अगर हम लोग इसको कहें तो हमें देखिए सबसे पहले रिएक्टेंट्स क्या चाहिए होंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं. द रिएक्टेंट्स दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड. You can write H2SO4 that should be concentrated. उसके बाद फिर हमें चाहिए क्या, पोटेशियम नाइट्रेट कह सकते हो, पोटेशियम या फिर सोडियम, हम कोई भी यूज कर सकते हैं. और उनका क्या चाहिए हमें, नाइट्रेट. ओके, दैट्स इट. तो हमें दो रिक्वायरमेंट्स हैं. तो एक बार रिएक्शन देख लीजिए आखिर रिएक्शन में होता क्या है. अगर हम लोग सोडियम पोटेशियम यूज करते हैं तो क्या होता है, देखिए KNO3 प्लस H2SO4 और ये हमें पता है फिर से कॉन्सेंट्रेटेड है. And the temperature should be less than 200 degree. We can go for 170 to 200. तो इसमें क्या बनता है, हमें मिलता है KHSO4. That is आपका पोटेशियम बाइसल्फेट, ठीक है. और साथ ही साथ आपको मिलेगा नाइट्रिक एसिड. और अगर मैं सेम रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट के साथ करूँ, ओके, दिस सेम होल प्रोसीजर, तो इसमें हमें मिलेगा सोडियम बाइसल्फेट. ओके, और प्लस HNO3. दैट्स इट, नो चेंजेस, खाली एक की जगह मैंने Na यूज करा है. ओके, ये था आपका नॉर्मल रिएक्शन. अब देखिए हमने कलेक्शन करा है, ये जो देखिए जहाँ पे रिएक्ट हुई नाइट्रिक एसिड हुआ इवॉल्व, हमने इसको यहाँ पे कलेक्ट कर लिया ऊपर वाटर, कोल्ड वाटर, सो दैट इट कैन कम डाउन. देखिए द वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कंडेंस और ये येलो लिक्विड कलर जो मिलता है आपको, दिस कलर इज येलो, येलो कलर का आपको लिक्विड मिलता है, ठीक है. अब ये येलो कलर इसलिए होता है, देखिए जैसे मैंने आपको पहले जो इस वीडियो की प्रीवियस वीडियो थी नाइट्रिक एसिड के बारे में, उसमें हमने पढ़ा था कि नाइट्रिक एसिड जो प्योर होता है इट इज कलरलेस. पर हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, येलो कलर. द पिक्चर इज चेंज्ड, हमें तो चाहिए था कलरलेस, हमें येलो मिला है. येलो इज फॉर्म्ड, अब देखिए हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि नाइट्रिक एसिड इज वेरी अनस्टेबल, मतलब नेचुरल सनलाइट में भी अगर हल्की सी भी से हीट मिले, नेचुरल सनलाइट की भी अगर उसे हीट मिलती है तो वो अनस्टेबल होता है एंड डीकम्पोजेज इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन. तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज येलो इन कलर. तो क्या हो गया, ये क्या होता है, डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है. दिस इज येलो कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सिंस वी नो दैट द प्योर एसिड इज ए कलरलेस, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड अंदर गैस बनी है, द गैस दैट हैज बीन प्रोड्यूस, उसको हमें कुछ करना पड़ेगा. अब क्या करना है इसके लिए, द रिमूवल ऑफ येलो कलर कुड बी डन. जो ये लिक्विड है ना, इस लिक्विड को पास इट थ्रू द ड्राई कार्बन, ड्राई एयर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से इसको पास करवाइए. तो क्या होगा, द येलो एसिड नाउ टर्न्स कलरलेस बिकॉज it drives out nitrogen dioxide from warm acid which is further oxidized to nitric acid. So it removes the nitrogen dioxide, hence it the कलर जो हमें कलरलेस चाहिए था, सो दैट वी कैन गेट द प्योर नाइट्रिक एसिड, वो हमें मिल जाएगा। ये था मेन बात। ओके, अब बात करते हैं एक दो प्रिकॉशंस क्या लेने हैं हमें। मेन प्रिकॉशंस ये हैं कि ग्लास एपरेटस जो भी यूज होते हैं वो क्या कहते हैं, जो नाइट्रिक एसिड है ना, इट इज़ वेरी हार्मफुल टू द रबर एंड क्रॉक। तो हमें रबर यूज नहीं करनी, मेक श्योर दैट द रबर एंड क्रॉक आर नॉट यूज्ड, ओके, बिकॉज इट इज़ हार्मफुल। और कॉन्सेंट्रेटेड HCl शुड नॉट बी प्लेस्ड इन प्लेस। अगर आपसे कह दिया कि H2SO4 की जगह चलो यूज करते हैं HCl, इट शुड बी नॉट यूज बिकॉज HCl इज वॉलेटाइल एंड हेंस इट HCl वॉलेटाइल होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो नाइट्रिक एसिड बनेगा वो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक एसिड नहीं होगा, HCl भी कंबाइंड होगा। दैट्स वाई वी यूज सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज इट इज नॉन वॉलेटाइल। ओके, और टेम्परेचर अगर हम लोग एक्सीड कर देंगे, मैंने हर जगह लिखा था लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लीजिए आपका मन करा कि आपने कहा नहीं मेरे को तो 200 से ऊपर ही करना है, तो क्या होगा, द टेम्परेचर रिएक्शन शुड नॉट एक्सीड 200 डिग्री सेल्सियस बिकॉज सोडियम सल्फेट फॉर्म्ड एट द हायर टेम्परेचर फॉर्म्स अ हार्ड क्रस्ट विच स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द रिटॉर्ट एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रिमूव करना। ये देखिए, अगर मैंने कहा कि मेरे को 200 से ऊपर चाहिए टेम्परेचर, मैंने इसको 200 से ऊपर कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सिंपल जो सोडियम आपको मिल रहा है, आपको जो सोडियम बाइसल्फेट या फिर पोटेशियम बाइसल्फेट जो यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे, तो ये रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि कभी कभी ये फ्लास्क टूट जाता है अगर हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे तो हमें नाइट्रिक एसिड मिल रहा है, दैट्स वेरी गुड, पर यहाँ पे the sodium bisulfate और the potassium bisulfate is very forms a very thick layer that is hard to remove। तो अगर हमने 200 से टेम्परेचर ऊपर कर दिया, तो देखिए if the temperature exceeds 200 तो what should be the reaction, reaction भी change हो जाती है। NaNO3 plus अब आपने क्या करना था, हमने क्या लिया था H2SO4। तो अगर हम लोग देखिए अब क्या होगा, H2SO4 के साथ हमने इसको रिएक्ट करवाया था ना, तो जब क्या होता है तो इट फॉर्म्स Na2SO4। तो ये बहुत हार्ड लेयर हो जाती है, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड, इसलिए हमें ये यूज नहीं करना है। ओके, दैट्स इट फॉर योर लैब प्रिपरेशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली गो एंड शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू गेट द फुल चैनल एक्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।